किचन मास्टर, आज मैं बनाऊंगी चटपटा नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 12 वाला मैगी, 3 अंडा। मटेरियल में मैंने कट किया है 1 प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, हरा मिर्च। तो सबसे पहले मैं मैगी को बॉईल होने के लिए रखूंगी। 1 कटोरी पानी, मैगी, नमक, मैगी मसाला, इसे बॉईल होने के लिए रख दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैगी मेरा बॉईल हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड कर दे रही हूँ। मैं अंडा का पेस्ट तैयार करूंगी। एक एक करके मैं तीनों अंडा को फोड़ लूंगी। एक आधी चम्मच डालूंगी मैं काला नमक, चाट मसाला, धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज, हरा मिर्च। सभी को हम एक में मिला के इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, पेस्ट मेरा तैयार हो गया। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस जलाऊंगी। तो पैन मेरा गर्म हो गया। अब मैं डालूंगी तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को चारों तरफ फैला लूंगी। अब मैं डालूंगी अंडा का पेस्ट। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा नीचे से अंडा पक गया है। अब मैं इस पे डालूंगी मैगी। मैगी को चारों तरफ फैला लेंगे। चम्मच से हल्का हल्का इसके ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब मैं थाली में प्लेट ले रही हूँ। अब मुझे इसे दूसरी तरफ से पकाना है। तो देखिए, थाली के ऊपर मैं पैन को रख दे रही हूँ और थाली को उल्टा कर दे रही हूँ। तब ये दूसरी तरफ से पकेगा। तो फिर मैं गैस को जलाऊंगी। तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि मेरा नाश्ता कैसा बना है। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो देखिए, पीछे से भी देख लीजिए, बिल्कुल जला नहीं है, कितना मोटा हुआ है। तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। ये बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू।